उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बानसूर एसडीएम कार्यालय पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान बानसूर में 10 दिन पहले व्यापारी के बेटे के साथ हुई 6.5 लाख रुपए की लूट को लेकर व्यापारियों ने उद्योग मंत्री को ज्ञापन सौंपा। बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मंत्री ने व्यापारियों को आश्वासन दिया। उद्योग मंत्री के आश्वासन के बाद व्यापारी ने बानसूर बंद को स्थगित किया। वहीं मंत्री ने डीएसपी को जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। आपको बता दें, उद्योग मंत्री ने बानसूर पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाए। कस्बे के मुख्य बाजारों में बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों को जल्द से जल्द ठीक कराने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं प्रत्येक हफ्ते सीसीटीवी कैमरे को जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं बानसूर में मुंह बांध कर घूमने वाले लोगों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पानी का हो, पुलिस, शिक्षा और अन्य विषय सभी को लेकर के, क्योंकि जो मंथली अपन मीटिंग करते रहते हैं सभी विभाग के अधिकारियों की, कि कितना काम कहां पर हुआ, क्या नहीं हुआ। जैसे चाहे अपना, सबसे पहले अगर आप इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो जो पुलिस का जो काम है पुलिस कर रही है। जो सीसीटीवी कैमरे हैं जो उनका खुद का था, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा चूहे कतर गए थे तो इसलिए खराब था खुद का, तो औरों के जो देखे उसमें कुछ इनपुट मिले हैं, शायद जहाँ तक है पॉजिटिव होगा। और मैं भी यही चाहती हूँ कि कोई भी अपराधी हो, अपराधी की कोई जाति धर्म नहीं होता, कोई भी वो पकड़ा जाना चाहिए, पकड़ करके उसे सजा भी मिलनी चाहिए, जिससे कि आगे कोई इस तरीके का अपराध नहीं करे। और जो आपराधिक घटनाओं का जो है कि मैं ये कहूँ कि कहीं भी हो रहा है तो वो किस लिए हो रहा है, क्या है, वो तो कोई विषय नहीं है। अब चाहे कल भैरोड में हो गया, तो ये जो हमारे हरियाणा से, यूपी से, हमारी जो लगती हुई सीमाएं हैं, तो वहाँ से बाहर के आदमी आकर के और अपराध करके वहाँ एकदम चले जाते हैं सीमा से, तो इसलिए ये कारण ये बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी पुलिस सजगता से, कई ऐसा नहीं है कि कोई मामले नहीं खुले हों, जैसे जब इधर हुआ पेट्रोल पम्प पे तो वो भी खुला, तो ऐसे खुलते भी हैं मामले। और मुझे लगता है ये भी खुलना चाहिए, जो भी इस तरीके के अपराध होते हैं, चाहे घटना हो, दुर्घटना हो, पुलिस प्रशासन पूरी तरह सजग है। आज मैंने पुलिस प्रशासन को भी निर्देशित किया है कि आप सारे जो सीसीटीवी कैमरे उन्हें देखें, और देख करके जो भी कोई इस तरीके का है उसे, जो संदिग्ध दिख रहा है या मुंह पे मास्क लगा के आपके सामने चल रहा है, तो उन सब की तहकीकात की जाए। जो बिना नंबर की कोई मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, कोई भी बानसूर से बाहर का कोई भी व्यक्ति दिखे, तो उसकी पूरी तहकीकात करें, उसकी जानकारी लें, तभी उसे छोड़े, अन्यथा नहीं छोड़ना चाहिए कोई भी हो। और बाजार में गश्त बढ़ाई जानी चाहिए, और पुलिस व्यवस्था जो भी है, मार्केट के अंदर है या बाहर है, सारी जगह पर पुलिस अपनी नाकाबंदी करे, जिससे कि कोई इस तरीके के बाहर से आदमी, शादी और ये ब्याह बारात जब होती है तो उस टाइम पे इस तरीके की घटना बढ़ती है, इन पर रोक लगनी चाहिए। आज इसी तरीके के निर्देश दिए। बाकी जैसे बिजली का है, तो बिजली की समस्या है, जो भी है कोई बिलों में छोटा मोटा इधर की है, तो उसके लिए निर्देशित किया कि सभी की जांच की जानी चाहिए। और पानी का जो जल जीवन मिशन हमारी योजना है, उसके तहत काम, गर्मी का सीजन आ रहा है तो उससे पहले पहले बोरिंग करके सभी जगह जहां हमें टैंकर लगाने पड़ते हैं, तो वहां टैंकर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े, ऐसा हमारा प्रयास रहे। तो जो काम हमारा हो रहा है उसको थोड़ी सी गति देवें, और तेज गति से कामों की गति बढ़ा करके उनको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।